हमने बहुत ऐसा ये करके देखा कि शायद म्यूजिक थोड़ा निकले दिमाग से, क्योंकि नींद में भी बजता है दिमाग में, बट जितना ये किया उतना ज्यादा अंदर घुसते गया ये। आई फील रियली यंग व्हेन पीपल से दैट अरे यार हम तो नौजवान। या अच्छा श्रेया, कितने लोगों ने आपको बोला है कि क्यों क्यों सुचेता ने पीछा नहीं छोड़ा हर्षद का? ओह शी इज बीइंग ट्रोल्ड, शी इज बीइंग ट्रोल्ड। लाइक ये क्या है? आई मीन आई थॉट इट वाज लाइक शिट, आई थॉट इट वाज अ दलाल। कपल ऑफ एपिसोड्स इवन आई फेल्ट लाइक ये फिर भी। तो हम लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो यही बोलते हैं, और बोलो आप क्या और बताओ। Hi, this is Pratik Gandhi. आप देख रहे हैं और बताओ स्तुति के साथ। Hi, my name is Shreya Dhanvantri. आप देख रहे हैं और बताओ with Stuti. Hi guys, welcome to yet another episode of और बताओ. मेरा नाम है स्तुति और एक नाम स्कैम 1992. सुनते ही जो दो चेहरे आपको याद आते हैं वो देखिए यहाँ पे स्क्रीन में मौजूद हैं श्रेया धनवंतरी एंड प्रतीक गांधी. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. Hello, hello guys. Thank you very much for having us. Hi everyone. Thank you for having us. Se pehle, how are you processing this? This is crazy, the amount of love aur tareefe jo is show ko mili hain. Abhi jaise Prateek keh rahe the ki generally social media is such a negative place ki kuch aap gold bhi dal do to bhi koi kuch na kuch bolega, but everyone's just loving your show. या सो मतलब ये पूरी टीम ने साथ में मिलके जितने जितना पुण्य किया होगा ना वो सबका फल यहीं पर मिल गया हमें एक ही सीरीज में. सही बात बोला है प्रतीक, दैट्स ट्रू यार. सभी एक लाइक वी गॉट अ लंप सम पूरा. इट्स स्टिल ग्रोइंग, द फैन बेस इज ग्रोइंग, पीपल आर वाचिंग इट, पीपल आर सब्सक्राइबिंग टू सोनी लिव बिकॉज़ ऑफ दिस. तो मैं ना सिर्फ शो से हुक्ड थी, मैं आप लोगों के डांस वीडियोस और हेड बैंगिंग वीडियोस से भी काफी हुक्ड. इट इज दैट थीम सॉन्ग एंड देन आई जस्ट विजुलाइज ऑल ऑफ यू लाइक हेड बैंगिंग टू इट. हमने बहुत ऐसा ये करके देखा कि शायद म्यूजिक थोड़ा निकले दिमाग से, क्योंकि नींद में भी बजता है दिमाग में, बट जितना ये किया उतना ज्यादा अंदर घुसते गया ये. अभी तो वांट टू मेक श्योर कि यार एक वीडियो तो बनता है सब, यू नो वी हैड टू, तो किया. बहुत ही बढ़िया था, those are also very addictive, but I think नींद में तो आप इंटरव्यूज के जवाब भी देते होंगे, because you know this is just going crazy, I'm sure. हाँ हाँ मतलब या I mean वो तीन चार सवाल तो एकदम क्लीन रट चुके हैं हमें. करेक्ट अभी तो अभी हाँ करेक्ट एंड आल्सो वी प्ले अ लिटिल गेम वेयर आई वुड आस्क द क्वेश्चन, आई जस्ट से और बताओ एंड यू आंसर द क्वेश्चन दैट यू नो इज द मोस्ट आस्क्ड. ओके इंटरेस्टिंग. स्क्रिप्ट रेडी है, चलो यार और बताओ. तो यार वी डिड ऑल द रिसर्च, हमने अकाबिल फुटेज में यू नो पूरा डीप डाइव किया है और इंटरव्यूज पढ़े, आर्टिकल्स पढ़े, इंटरव्यूज देखे हैं, तो रिसर्च तो हमने बहुत सारा किया, क्योंकि हमारे शो में जो भी कैरेक्टर्स है सब रियल लाइफ कैरेक्टर्स है, तो हमने सभी रिसर्च किया और इसमें हंसल जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ही टोल्ड अस टू नॉट मिमिक एनीवन. तो हमने जरूर कुछ अच्छा किया होगा, क्योंकि अब हम आपसे बात कर रहे हैं. अब इसका सवाल सोचिए क्या होगा, क्या परफेक्ट जवाब मिला है. प्रतीक अब आपकी बारी, बिकॉज़ श्रेया जस्ट हिट इट आउट ऑफ द पार्क. और बताओ. I was shooting for one film in Bhuj and that's when I got call from Hansal Mehta for the first time that we are trying to make something like this, so whenever you were back home let's meet up. से मिले गया था, तब उन्होंने मुझे बताया कि ये हर्षद मेहता का जो स्कैम हुआ था 1992 में उसके ऊपर सीरीज बना रहे हैं एंड वी वुड लाइक यू टू प्ले हर्षद मेहता, तो यू थिंक एंड लेट मी नो. तब मुझे अंदर से ऐसा उछल उछल के हाँ आ रही थी कि सोचने जैसा कुछ है नहीं, मैं तो करना चाहता हूँ, तुरंत हाँ बोल दिए. फिर उन्होंने पूरा मुझे पूछा भी कि इसके बारे में कुछ जानते हो, तो मैं तो स्कूल में था जब ये 1992 का स्कैम हुआ, मेरे कजिन के कुछ पैसे भी डूबे थे तो थोड़ा बहुत आइडिया था. फिर हमने रिसर्च किया, टेक्निकलिटीज जानी और दैट्स हाउ वी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड दैट्स हाउ आई लैंडेड अप डूइंग दिस कैरेक्टर. क्या बात है, दिस इंटरव्यू इज ऑन ऑटो पायलट गाइस. हमें बहुत मार पड़ने वाली है प्रतीक. यू नो थैंक यू फॉर आंसरिंग दिस वेरी वेरी मोस्ट आस्क्ड मोस्ट वांटेड टू नो क्वेश्चंस, बट अभी राइट नाउ what has been the biggest learning for you guys? This whole curve, जब आपने scam 1992 shoot करना शुरू किया से लेके अब, with all the love, what have you learned?
द बिगेस्ट थिंग आई हैव लर्नड इज कि वो जो बोलते हैं ना यू नेवर नो यू रियली यू नेवर नो दैट इज समथिंग आई हैव लर्नड 100 टाइम्स ओवर विद दिस शो यू नेवर नो वट एवर यू थिंक आई थिंक दैट अप्लाइज टू लाइफ आल्सो कि जो भी आपने प्लान किया है कि ऐसे जाएगा फिर उसके बाद मैं ये करूंगी इसके बाद ये हो जाएगा यू नेवर नो सो यू नो जस्ट लाइक हैव फन विद इट प्रतीक दैट्स वेरी ट्रू एंड व्हाट आई पर्सनली हैव लर्नड and regained my faith in the belief is that whatever comes from within as a first pure thought, just follow that. Yeah. Follow your instinct. But follow the instinct. I think, you know, the one reason why this has captured everyone's imagination, apart from the story, the way it was, taking nothing away from just the way Hansal Mehta directed it, the story, the way all of you performed, is this the spirit of Harshad Mehta, the fact that he wanted to break free, wo apne dreams ke liye lad rahe the, questionable means and ways, but that and just your growth, both of you, a lot of, you know, are you enjoying this? Ya thoda sa gussa aa raha hai that people are waking up to you as if abhi aaye, as if ye pehla kaam hai. Whereas you both have a body of work that's good. So, you know, how are you tackling that? Oh, that's a very interesting space to be in, you know. It always keeps you on your toes. And, matlab, actually, newbies jaisi feel aana bhi bahut interesting hai. Ke hum toh abhi, matlab, I feel really young when people say that, arey yaar. Hum toh naujawan. Yeah. Haan, matlab, new boy, you know. इन द टीम और ऐसा सब तो सुन के भी अच्छा लगता है और ये बहुत अच्छी एक सीख ये है इससे कि वॉट एवर यू डू ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट इज गोना बी योर फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड पीपल आर गोना टू ट्रीट इट दैट वे सो कोई लेगेसी मैं ऐसी कोई लेगेसी क्रिएट नहीं कर सकता कि उसके बेस पे मैं पूरी जिंदगी बैठ के खा सकूं तो मेरे लिए हर एक प्रोजेक्ट ऐसा ही होने वाला है विच इज अ गुड लर्निंग दैट्स ट्रू इट्स द सेम थिंग फॉर मी एज स्तुति बिकॉज़ I think it helps agar aap har ek project ko aise, you know, if you treat it new and if you treat it with the same trepidation and the nerves and excitement that you had for your actual first one. So I think it helps. It really does. And it's lovely. Yeah. I mean, it's lovely. In whatever shape, tweet, post, meme, this love comes, we will take it. You will take it. I'm sure. And you guys deserve this and much more. Achha, Shreya, kitne logon ne aapko bola hai ki kyun Sucheta ne peecha nahi choda? Harshad Mehta story, we obviously focused on the relevance around his life. But listen, she is a hero, okay? She exposed the loopholes in the system. This man was taking advantage of. No, absolutely, absolutely. Cheating kiya hai, bole cheating. Nonsense. Cheating kiya hai, par itna acha kiya hai ki matlab log, you know, people are kind of depressed for no. Not Harshad. Of course. And that the show does a good job also of ensuring ki wo glorify nahi hota and. हम लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो यही बोलते हैं और बोलो आप क्या और बताओ तो मेहता को बोला कि एक और अब सीरीज जल्दी से कुछ तो होनी चाहिए वो तो हमने शूट से ही बोल दिया था उनको He has Chalan coming up na that'll also be fun Yeah, yeah. एक हफ्ते में आने वाला है yeah. No, फिर with us something oh, with us. Yeah. No, we have signed some warrant with the blood and all, so he can't escape us now. devil's contract लिखा हुआ है हासल के साथ. That is very smart. Okay, Apriti, I know you said, और ये आप शुरू में ही बोल चुके हो, आपसे बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा कैसे आपने अप्रोच किया ये रोल एंड यू नो द फैक्ट दैट यू हैवंट मिमिक्ड इज रियली व्हाट पीपल आर फाइंडिंग सो रिफ्रेशिंग but generally with character jab aap jaise aapne bola ki aapko pata tha Harshad Mehta ke bare mein you read the script clearly it was a guy you knew that people are not supposed to like she said cheating ki hai to jab in your head how do you did you justify it and therefore played it so adorably ya kya tha wo look andar koi kashmakash thi while you were shooting yeah to maine to see there are few characteristics that I picked up
to create the character, and that's how I have approached this character. So one thing was very clear, which we have heard from a lot of people also around, that he was a charmer. He used to charm anybody through his talks, into any of his schemes, theories, you know. And that's how he was as a person. So he, and his persona was contagious then. Which one was your audition audition scene? My audition scene, जो आपने teaser में देखा होगा, जो पहले episode का पहला scene है, the I think 7-10 minute long scene, that was my audition. So it was like 7 to 10 pages long, even that audition. Not bad. And Prateek, yours was, I think, when you were entering the BSC building, I read. हाँ वो सीन तो शूट भी नहीं हुआ खैर, बिकॉज बाय द टाइम वी वेंट ऑन फ्लोर स्क्रिप्ट में काफी कुछ बदलाव आ चुके थे, तो जिस पे ऑडिशन लिया था वो सीन बचा भी नहीं था. I came in way in the late in the audition. I think I was the last member to be cast in the show. तो मेरा सीन ऐसा ही था. But thank God for that. अच्छा, numbers और stock market आप दोनों कितना समझते हैं? नंबर समझता हूँ, स्टॉक मार्केट नहीं समझता हूँ इतना. Little. इसके बाद आई गोइंग टू क्विज अस स्तुति. आई डेयर नॉट बिकॉज़ आई डोंट नो व्हाट द राइट आंसर इज गोइंग टू बी. सो देन यू डू इट, देन वी कैन आंसर. देन यू क्विज. या वी नो एवरीथिंग. प्लीज नो एवरीथिंग. नो या नाउ वी नो एवरीथिंग. अरे ये पहले बोल देते हैं कि इनको नहीं पता, तो हमको सब पता. दोनों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या नहीं, मुझे ये बताइए. नहीं, अभी किया है मैंने थोड़ा सा. अच्छा, अब आया ना कॉन्फिडेंस. सीखने के लिए खास, तो मैंने कुछ 10 शेयर लिए थे सीखने के लिए कि ट्रांजैक्शन होता कैसे है. A lot of people now, you know, like I said, have woken up to both of you, which is great. We want to see more of you on screen also. Touchwood is amazing. But अभी तक की आपकी जर्नी, I'm sure आपने बहुत सारे इंटरव्यूज में बताया, but starting with you, Prateek, mechanical engineer, then your roles in Gujarati films. It's been a long journey. आज जब हम आपको बोलते हैं कि अरे overnight Prateek Gandhi ke liye interviews ki line lagayi, you have put in years and years of hard work. Uske bare mein aap thoda batayenge. तो बहुत इंटरेस्टिंग ये था कि इंजीनियरिंग की डिग्री लेके बॉम्बे आया और साथ में थोड़ा सा मेरे मतलब होम टाउन सूरत का थिएटर एक्सपीरियंस लेके आया था, थिंकिंग दैट आई विल मेक माय प्लेस इन दिस इंडस्ट्री एज एन एक्टर, और वो सर्वाइव करने के लिए इंजीनियरिंग विल डेफिनेटली हेल्प मी. एंड आई हैड मल्टीपल पैशन डिसऑर्डर टाइप्स इन बोथ दिस फील्ड्स, सो आई केप्ट वर्किंग इन बोथ दिस फील्ड्स साइमल्टेनियसली, kept searching for something big, some character to perform where I can actually showcase what I know or what I, you know, want to do. So ye karte 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 kuch 12-13 saal nikal gaya. But ye bahut lamba time hai, aap ab bol rahe ho to bahut aasan sound karta hai. Koi to bahut low moment hoga Prateek, when you thought this is too much, what am I doing? हाँ नहीं, लो मोमेंट्स से ज्यादा चैलेंजिंग मोमेंट्स ऐसे थे कि कुछ टाइम पे ऐसा हो गया था कि पर्सनल लाइफ में भी बहुत मतलब ऐसा टाइम था दैट आई हैड टू टेक हार्ड डिसीजंस कि यार अभी ये करूं कि ये नहीं करूं, कि इसको बंद ही कर देता हूं. प्रोफेशनली भी ऐसा हो रहा था कि दोनों जगह मेरी ऑफिस मतलब जॉब में भी और इसमें भी दोनों जगह पर हैवी डिमांड थे. आई वॉज डूइंग माई फर्स्ट मोनोलॉग ऑफ 2 hours, रिहर्सिंग फॉर दैट फॉर ऑलमोस्ट 3 hours a day, having a full time job which is almost 9 hours a day, and traveling which takes or another 3 hours. So matlab main sara nikalu to abhi aisa lagta hai ki main sota hi 3-4 ghante tha, aur wo kaise hota tha tab mujhe ghar walon ko bhi matlab I am sure matlab I had led a very very selfish life till now ki mujhe ye karna hai to main ye karte raha aur ghar ka time bechte raha bahar, but that's how it happened. So abhi agar koi poochta hai jab main sochta hu to lagta hai ki ha kuch zyada ho gaya shayad, पर तब मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था. But that's, I think that's what's inspiring for everyone who's watching, जो आपकी तरह सपने देखते हैं, that 12-13 years later, this is what you've achieved. Shreya, you've done films in the South. अभी lockdown में you directed, wrote something which was so interesting, from your pageant days to now. Tell us about your journey. So my journey is also a little similar in the sense that we are both engineers, and we didn't know ki this was the path, this was the hope, you know, this was where we wanted to go. We didn't know ki agar ye actually ho payega ki nahi. And yeah, I mean, I came to Bombay also with the hope of making telling stories and getting an opportunity to tell those stories. And I came here in 2012.
but I've been acting since I was four. The yeah. Telugu film that happened when I was 17 in 2000. Yeah, so it's just it's been years for all of us, and I don't just mean me and Pratik, because pure cast or crew mein bhi aise log hai jinke I think 25 saal, 20 saal, 30 saal. So everybody has given. So jaise Pratik ne starting mein bola, I think everybody did so much like field labor, you know, ki we got the lump sum returns now. But yeah, everybody's put in time. This is the positive stories that we needed is pure phase of negativity ke baad. But now, with the advantage of hindsight, aap dono ko lagta hai ki yaar, you know, God is a good designer. Har cheez kind of came together, all those years of waiting. I believe it completely, because whatever that he has designed or decided is brilliant. You can't even imagine beyond a point ki achha aisa socha hoga kya. So now, मैं तो बहुत बार यही करता हूँ कि थोड़ा भी ऐसा कुछ हो रहा है which I had thought which not happening and something so weird and bizarre happens which is not even the wildest thought of mine, I start feeling good कि it's not my design, it is something else, the other power is working, because imagine God has designed each and every step for me, He never made an elevator for me कि तुम सीधा ऊपर पहुंचना, तुम हर एक स्टेप चढ़ के जाना, which helped me a lot, yeah. That's a lovely line, yeah. Shreya? Okay, I'm going to use a Terminator 2 line, which is one of my favorite films. There's a line there, that it's actually in Terminator 1, but you know, 2. There is no fate but which you make your own, you know? So yeah, I mean, it might not make sense to you at the time when you're going through it. Again, it's a position of privilege, yes, I'm also. But yeah, I mean, everything makes sense in connecting the dots in hindsight, you know. So I think itna jo debate insider outsider ka tha, even is show mein kai baar we've heard the character say main bahar ka hoon, main outsider hoon, tabhi aise kar rahe hain. So at the end of the day, you guys feel it's faith and talent and eventually time that will make you win. Yeah, I think consistency, just be around, keep doing your work. That's the only thing that works. Baki insider, outsider, partiality, this, that, these are all beyond a point. It's no point discussing it, because you are wasting your energy there. Yeah. Rather focus where you can change things. And that is only jo mere paas hai, matlab mere purview mein hai, wahi main kar sakta hu, which is my craft, nothing else. Yeah, that's true. Because those things are there. Those things are there and they're undeniable. So there's no point wasting your time thinking about, you know, things like that. So yeah, you just perseverance and discipline. Yeah. These two things I think will get you anywhere. Wow, the best. You know, I can spend hours talking to both of you. But abhi, before I end, I want to know aap dono ke, because aap dono, jab bhi screen pe aaye, it was our favorite moment. But personally, aapka favorite moment in the show kaun sa tha? Koi scene, anything that you want to talk about? The wine scene, the scene that is now popularly known as the wine scene, where it's the face-off between Harshad Mehta and Sucheta Dalal. Yeah. So, unki pehli bari face-to-face meeting end. So that's my favorite scene. That's a lot of scene. Swag. Yeah. It's a lot of people's favorite scene, the wine scene. Or Prithi? Yeah, wine scene for sure. And there is another scene also, which is at the end, I guess, 10th yeah. episode. Episode 10. Where Harshad and Bhushan's confrontation, Harshad, Bhushan and Ashwin Bhai. Yeah. That's a very, very interesting scene. That's a killer scene. Killer scene. Yeah. Achha, khud kitni baar ye show dekha hai aap dono ne? I've seen it twice. Not bad. Maine bhi do baar dekha. Yeah, I've seen it twice. And what do you think of your performance? Like, you know, just something in your head. I said, I think I can do better. Yeah, no, because how can you be satisfied? Yeah. I don't know. I never looked at myself and said like, wah, kya kaam kiya? I've never said that. I don't think I will say that. So, Prateen, aapko laga ki ye to sahi ho gaya? कुछ जगह पर ऐसा लगा जो मतलब मैंने हल्के से लुक्स और ये सब किए थे वो बहुत इंटरेस्टिंगली कैप्चर हुए हैं एंड देन इट इज गेटिंग ट्रांसलेटेड इन दैट फील तो वो बहुत अच्छा लगता है कि अरे यार ये किया था मैंने मुझे नहीं पता था कि कैप्चर हो जाएगा और ये आएगा पर बहुत वो बहुत छोटी छोटी बातें हैं सो आई गया तो कोई कभी कभी वो ऐसी सारी मोमेंट्स देख के लगता है कि यार ये अच्छा है आ गया और बाकी तो श्रेया ने जो बोला वो तो हमारी कंसिस्टेंट फील है यार कि हर बार लगता है कि अरे इधर और थोड़ा ये कर सकता था इधर मुझे ये कर लेना चाहिए था वो तो कॉन्स्टेंट चलते रहता है व्हेनेवर वी सी एनीथिंग यार
no, but this was wonderful. Thank you so much. ये interview autopilot पे शुरू हुआ और बहुत ज़्यादा मज़ा आया. Thank you for the amazing work that you guys have done. Thank you. I can't wait to see more of both of you. Thank you. Thank you.